अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ओडीआई सीरीज का फर्स्ट मैच आज खेला जाएगा। यस, वी आर बैक विद मोर क्रिकेट और बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, 3 बजे शुरू हो जाएगा। 2:30 में पे टॉस हो गया, टॉस की अपडेट्स हम आपको देंगे। बट व्हाट्स रियली हैपनिंग भाई, पाकिस्तान अब कंटिन्यू कर रहा है अपने ICC ODI सुपर लीग कैंपेन। ऑस्ट्रेलिया को मिला है सेटबैक, 3 प्लेयर्स उनके डिफरेंट रीजन से आउट हो गए, जैसे मिशेल मार्श इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद जॉर्ज इंग्लिश और स्पिनर एशन एगर दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए, साथ साथ उनके फिजियोथेरेपिस्ट भी थी। आज सुबह ये अपडेट्स आई हैं। इसकी जगह पाकिस्तान टीम में क्या कुछ हो रहा है, पाकिस्तान न्यूज़ ये है कि शाहीन शाह आफरीदी जो है वो आज रेस्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान उनके घुटने पर बॉल लगी थी जिसकी वजह से ही इज़ रेस्टिंग टुडे, मगर जाहिद महमूद और वसीम जूनियर आज करेंगे डेब्यू। सो व्हाट्स योर प्लेइंग 11, वील फाइंड आउट फ्रॉम एक्सपर्ट। उससे पहले हम लोग जाएंगे, जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ पहले मैं अपने एक्सपर्ट्स को, एंड देन वील टॉक टू सुहेल इमरान और उनसे भी पूछते कि क्या अपडेट्स चल रही हैं। मेरे साथ है क्रिकेट सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सईद यायो सैनी, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ रहेंगे। एंड ऑफकोर्स वील टेक योर एक्सपर्ट ओपिनियन, बट हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सुहेल इमरान जो क्लोजली फॉलो कर रहे हैं सब अपडेट्स और डेवलपमेंट्स को, तो उनसे बात करते हैं। सुहेल, मतलब क्या SOPs हैं कि अब जो अभी हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट 3 प्लेयर्स पॉजिटिव हो गए हैं, तो अब क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा? हम खबरें सुन रहे हैं कि सीरीज कैन बी कॉल्ड ऑफ, तो ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दें। ठीक है सुहेल, क्या अपडेट्स चल रही हैं? हमें खबरें मिल रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो सीरीज है ODI सीरीज खटाई पे पड़ सकती है, तो अब 3 प्लेयर्स पॉजिटिव हो गए, तो क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा? ठीक है, आई थिंक विल जस्ट थ्रो दैट क्वेश्चन टू भट्टी साहब। भट्टी साहब, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि क्या मतलब क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि हमें दे पड़ रही थी कि 13 प्लेयर्स हो, लेस देन 13 प्लेयर्स हो तो फिर सीरीज कॉल्ड ऑफ हो जाएगी, तो इसको ज़रा आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें हमारे फैंस के लिए। आसान इजी वर्ड्स ठीक है याया, कुड यू आल्सो अपडेट है, हम लोग अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करेंगे, बट याया कैन यू एक्सप्लेन व्हाट्स हैपनिंग? देखिए फातिमा, हाल ही में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग से पहले एक सीरीज़ ख़त्म हुई थी। बमुश्किल तमाम T20 सीरीज़ अपने अख्ताम को पहुंची थी, बट वन डे सीरीज़ हो नहीं सकी थी क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के पैदर पर खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ रहे थे। और ये जो आपने अभी खुलासा किया है कि 13 खिलाड़ी अगर नहीं होंगे तो फिर मसला हो सकता है, अगर आपको याद हो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए SOP बनाए गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था कि अगर 11 खिलाड़ी आपके दस्तयाब होंगे तो फिर मैच हो सकता है। लेकिन यहाँ का जो मामला है, आज जैसे तैसे पहला मैच तो हो जाए, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे सिकंदर बख्त साहब ये राय देते रहे हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कप्तान चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी यही कहना था कि जी ये कोविड टेस्ट होने नहीं चाहिए। तो अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने SOPs बना रखे हैं उसके मुताबिक चीज़ों को फॉलो किया जाएगा, लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलियन मीडिया जिन खतूत के ऊपर इन चीज़ों का खुलासा कर रहा है वो तो यही है। तो अभी आपने जिस तरह बताया कि 2 खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, मुझे इससे ज़्यादा सीरियस कंसर्न इसलिए नहीं है कि जो उनके विकेट कीपर एलेक्स कैरी हैं वो खेलेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, उसके अलावा उनके जो बॉलर हैं वाइट ग्रीन वो अगर वनडे क्रिकेट खेलें तो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर मिचेल मार्श है। लेकिन लाइक टू लाइक प्लेयर है, एब्सोल्युटली, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं कोविड प्रोटोकॉल्स की, तो वो तो आपको लाइंस जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलियन मीडिया इन्हीं खतूत के ऊपर गुफ्तगू कर रहा है। सही है, सो वील जस्ट पुट द रेस्ट टू रूमर्स अभी तक, क्योंकि अभी तो फर्स्ट ODI ऑन है, बट सिकू व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज व्हाट्स गोइंग टू बी योर प्लेइंग 11। थोड़ा मुझे लग रहा था शायद अब्दुल्ला शफीक आज डेब्यू करेंगे, बट जो PCB मीडिया ने हमें अपडेट्स दी है वो यही है कि आज जाहिद महमूद और वसीम जूनियर ही डेब्यू करेंगे। अच्छा, वैसे आप सिकंदर बख्त से सवाल कर रही हैं, मैं अगर आपके सामने सवाल रख दूं, किस बुनियाद पर आप अब्दुल्ला शफीक को डेब्यू करा रही थी? यार, ही परफॉर्म्ड रियली वेल, व्हाई नॉट वी कैन प्ले वाइट बॉल क्रिकेट, लेट्स सी। किसकी जगह खेलते वो? मेरा हाँ भाई, वो तो आप लोग एक्सपर्ट्स बताए ना, मैं तो चाह रही थी वो आज, बट मैं वही सोची मेरे सामने प्लेइंग 11 है, हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स तो वही हैं, जैसे हम फाखर की बात करें, रिजवान, बाबर, बट क्या आप इमाम को खिलाएंगे या नहीं? तो सिकुक, व्हाट्स योर प्लेइंग 11? फिर मैं वापस सुहेल इमरान से अपडेट्स ले लूँ। देखिए, मेरी प्लेइंग 11 मैं कह नहीं सकता कन्फर्म, मगर ये कि फखर, इमाम ऑब्वियसली विद, फिर बाबर है, बाबर के बाद जो है, अब बाबर के बाद हैदर, और हैदर के बाद आई डोंट नो के साउथ शकील को खिलाते हैं। आई डोंट थिंक सो, मेरा ख्याल है साउथ शकील ही खेलेंगे। व्हाट अबाउट इफ्तिखार अहमद? इफ्तिखार तो नीचे आएगा अगर वो आएगा तो, नहीं उनका भी डाइसी, उनका मुश्किल आज खेलना। देखा वैसे इन सबको प्लेइंग 11 पे याया से पूछो, याया आप बता दें कि क्या प्लेइंग 11 लग रही है, फिर सुहेल इमरान से भी मैंने अपडेट्स लेनी है क्विक।
देखिए नंबर चार के स्लॉट के ऊपर सऊद शकील और उनके साथ मुकाबला है हैदर अली का, लेकिन खुशदिल शाह आज खेलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नंबर चार पर वैसे यूजली जो है वो रिजवान बैटिंग करते हैं। पाकिस्तान जुलाई 2021 के बाद वनडे इंटरनेशनल खेल रहा है और वर्ल्ड कप 2019 के बाद हम सिर्फ 9 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं। अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह आपने खुलासा किया कि शाहीन शाह आफरीदी दस्तयाब नहीं होंगे आज के मैच के लिए, लेकिन सबसे सीरियस प्रॉब्लम फातिमा पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन है। हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास स्टार्क नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वार्नर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो पैट कमिंस नहीं है, लेकिन आपका जो इस वक्त टीम कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज्यादा हिला हुआ है। रिजवान नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। ठीक है, और सुहेल इमरान ने दोबारा ज्वाइन कर लिया। सुहेल, क्या अपडेट्स हैं? यू नो, एक तो सीरीज के हवाले से जो बातें चल रही है, रूमर्स चल रहे हैं कि कॉल्ड ऑफ हो सकती है, ये भी बताएं, और क्या आपको भी थोड़ी प्लेइंग 11 का आइडिया हो गया? ठीक है, मैं प्लेइंग 11 पे ही बात कर रही थी सिको, बट यू नो आई विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। अच्छा, ये जाने से पहले मुझे पता है मैं आसिफ आफरीदी प्लेइंग 11 से